यकीन नहीं होता कि कोई रेमेडी इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है मेरे बालों पे एंड मैं शौक हूँ इस रेमेडी को ट्राई करने के कर, बाद आप लोग देखो मेरे बालों में कितनी अच्छी शाइन आ गई है मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं अगर आप लोग सच में अपने बालों को लंबा और हेल्दी करना चाहते हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करना तो मैं इस रेमेडी को बनाने के लिए सीधे मक्का इस्तेमाल कर रही हूँ आप चाहें तो किसी और कंटेनर में भी किसी और बर्तन में भी बना सकते हैं तो इस रेमेडी को बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इस्तेमाल किया है यहाँ पर दो चम्मच चीनी चीनी के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं बालों के लिए आप लोगों में से कोई भी यकीन नहीं करेगा इसलिए खुद जाके देख सकते हो क्या फायदे या फिर जो भी आप करते हैं, आपको का यहाँ पर इस्तेमाल करना है आपको जितनी क्वान्टिटी में मतलब आप जितने शैंपू इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पर एक बार में सेम आपने यहाँ पर उसको ले लेना है शैंपू हमारे बालों में बहुत ही अच्छे से काम करता है बालों को क्लीन करने में लेकिन आपने ध्यान शैम्पू को सिर्फ अपने स्कैल पे लगाना है बालों पर कभी नहीं लगाना चाहिए डायरेक्टली उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल एलोवेरा जेल के फायदे तो आप लोगों को पता ही है क्या फायदे देते हैं ये हमारे बालों को हमारे बालों का झड़ना रोकता है दो मुंह बाल कम करता है हमारे बालों में शाइन और चमक लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है तो हम सिर्फ यहाँ पर एक चम्मच इस्तेमाल करेंगे उसके बाद हमने चम्मच की मदद से इन तीनों चीजों को बहुत ही अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है मिक्स कर तेरह टाइम आपको ये याद रखना है कि आपको ये रेमेडी कितने बार लगानी है हफ्ते में आपको दो दिन छोड़ के ये रेमेडी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए अगर आप दो दिन छोड़ के नहीं करना चाहते हैं तो आप हफ्ते में एक बार तो ज़रूर ही ट्राई करें ये रेमेडी एंड आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपको फ़ायदा होना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरह की और ज़्यादा वीडियो को देखने के लिए तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक ग्लास फिल्टर वाटर अगर आपके पास फिल्टर वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यहाँ पर अच्छे से ले सकते हैं अब मैं इन तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पानी में मिक्स कर रही हूँ पानी में ऐड होने से शुगर अच्छे से शैम्पू में और एलोवेरा जेल में मिक्स हो जाएगी ये हमारे बालों में नेचुरल कंडीशनर का काम करती है तथा हमारे बालों में चमक लाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करती है आपके बाल अगर बीच में से झड़ रहे हैं रूखे हो गए हैं बेजार हो गए आपके बालों की सारी प्रॉब्लम दूर होने वाली है इस रेमेडी को ट्राई करने के कर। बाद एंड बिलीव मी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा वन वॉश के अंदर ही अंदर तो अब आप लोगों को मैं इसे लगाना है आप लोगों को अपने बालों पर एंड मसाज करते हुए अपने बालों को वॉश कर लेना है अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसे लगा आने के बाद मेरे बालों का रिजल्ट आप लोग देख सकते हो मुझे कितना अच्छा फायदा हुआ इस रेमेडी को ट्राय करने के बाद एंड बिलीव गाइस बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको भी और आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है और आप लोग को मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और वीडियो के यहाँ तक वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच